जी राधे कृष्णा। आज आए हम आए हैं नदरई के पुल पे। तो नदरई का पुल तो आपको बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसको बनाने के पीछे क्या राज था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बनाया क्यों गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या था। तो आज हम वही आपको बताने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ इस नदरई का पुल और इसको जहाज ब्रिज भी कहते हैं उसको दिखाने के लिए आए हैं। तो कहानी शुरू होती है 1837 से। आगरा में भयंकर अकाल पड़ा था और अकाल का जो दायरा था 50,000 वर्ग किलोमीटर में अकाल का दायरा था। ना कोई बारिश थी, ना कोई तूफान था, ना कुछ था। और उससे 8 करोड़ की विशाल आबादी बिना पानी के, बिना अन्न के भूख से तड़प रही थी, बिलख रही थी, मारी जा रही थी। ये उस समय की कहानी है। तो मैं आपको वही दर्शाने आ रहा हूँ यहाँ पे आज कि इस ब्रिज को इतनी विशाल लागत से बनाया गया, ये नदरई का पुल, इसको बनाने की आवश्यकता आखिर पड़ी तो पड़ी ही क्यों। तो इसके पीछे रीजन था कि 8 करोड़ जनसंख्या अकाल से यानी बिना अन्न और बिना पानी के परेशान थी। उनमें से 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपनी हाथ जान गंवाई थी उस अकाल की वजह से। तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था और बुंदेलखंड क्षेत्र उस अकाल की चपेट में आया था, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राहत और बचाव कार्य में लगभग $10 मिलियन खर्च कर दिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। और बहुत बड़ी कह सकते हैं अमाउंट में राजस्व की हानि होने लगी। तब जाके 1938 में जब अकाल थोड़ा सा कम हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्लान सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं। तो गाइज, इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है, बताया ऐसा जाता है कि इस पूरे ब्रिज में कोई ईंट ऐसी लगी हुई है, अगर उसको निकाल दिया जाए या निकल जाए तो ये पूरा ब्रिज नीचे गिर जाएगा डर डरा के। और इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं जिसमें जाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। और उन सुरंगों का इस्तेमाल 70s के दौरान गलत लोगों ने किया था, किडनैपिंग, हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट। और उन्हीं सुरंगों के अंदर आपको ले जाते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, लेकिन हम आपको ले कर चलते हैं। अभी इसमें एंटर करते हैं हम, तो देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या और इसके सुरंग के अंदर की जो कहानी है वो क्या है। अब चलते हैं, घुसते हैं। मेरा साइज थोड़ा सा ज़्यादा है और सुरंग का मुंह बहुत ज़्यादा पतला है, मैं अंदर निकल जाऊँ फिर देखना क्या होता है आपको अंदर। बहुत ज़्यादा कम जगह है, चंदन के लिए है। आ जा मेरे मित्र, आ जा। भैया मैं अपने सहपाठी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा लाइट जलाए ताकि हम देख सकें अंदर है क्या आखिर। तो हम सुरंग के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, तो कल्लू लाइट जलाओ। जल रही है भैया। तो देखते हैं सुरंग के अंदर आखिर है क्या है। तो गाइस, यही वही काली गुफाएं हैं, आगे चल के आपको दिखाऊं। यहाँ देखो आप पानी देख रहे होंगे और डर के मारे थोड़ी सी हालत भी खराब है, पसीना पसीना हो रहा है अंधेरे में। तो कल्लू मेरे को लाइट दे बेटा, क्योंकि कैमरा में कुछ नहीं आ रहा, गाइज क्या देखेंगे। तो गाइज आपको दिखा रहा हूँ, सांसें बड़ी तेज तेज चल रही हैं और आप ये देख सकते हैं गाइज, यही वो जगह हैं जहाँ पे लोगों ने 70s के दौरान इनका गलत इस्तेमाल किया था। ये जो चैम्बर बने हुए हैं यहीं पे लूटपाट, डकैती, मर्डर, जितने भी कह सकते हैं आरोपी थे वो इन्हीं का इस्तेमाल किया करते थे। नीचे आप देख सकते हो पानी में जूता गया है और ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं पानी को नीचे जाने के लिए। जो ऊपर नदी का पानी यहाँ से रिसता है वो पानी इनके द्वारा नीचे काली नदी में चला जाता है। तो गाइस अभी इसी में है और आपको थोड़ा सा पीछे दिखाऊं मैं, जहाँ से हमने एंट्री की थी वो रास्ता काफ़ी पीछे जा चुका है और इतनी हालत ख़राब है। मैं तो पहली बार आया हूँ लाइफ में, इस ब्रिज में 3-4 बार आ चुका हूँ लेकिन इसके अंदर पहली बार आया हूँ। जो आप देख रहे होंगे
आगे आप जितना जाओगे मैं ज्यादा जाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन आपको लेके जा रहा हूँ। इनका इस्तेमाल 70s के दौरान गलत गतिविधियों में ज़्यादा हुआ था। आपको भी डर लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है, लेकिन आपके लिए जान जोखिम में डालना जरूरी है ताकि सारी चीज़ें दिखा सकें। लोग आते हैं चले जाते हैं और आधी वीडियो बना के बस व्यूज बटोरने के लिए, लाइक बटोरने के लिए वीडियो बनाया और आपको पेश कर दिया आधा अधूरा। तो हम घुस गए हैं इसके अंदर और पूरे ब्रिज को खंगाल रहे हैं, आखिर इसमें है क्या क्या। और जो मेरा पुरानी स्टोरी है, बाकी इसके पीछे का इतिहास देख रहे हो आप, दलदल कीचड़, जूते धंसे हुए हैं इसमें, अभी तो नदी में पानी कम है, देखो यहाँ ये लगभग पूरा भरा पानी से रहता है। ये तो हमारी आप किस्मत अच्छी है और आपका आशीर्वाद है कि आपकी वजह से आज हमें ये अवसर मिल पाया कि इसके अंदर आके हमने वीडियो बना लिया। तो गाइज, तो हम ब्रिज के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। यहाँ आप बोतल देख रहे होंगे पानी की, शराब की, गिलास, तो इनका गलत इस्तेमाल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। अब इससे आगे हमारी जाने की हिम्मत नहीं है, भूल भुलैया है, रास्ता तो है, आवाज आ रही है कुछ, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं है। इधर रास्ता पार है शायद, तो हम निकल के आ गए इधर, अब यहाँ से वापस लौट। गाइस आप देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री की थी, वो छोटा सा प्रकाश दिख रहा है सूर्य की रोशनी, वहाँ से हमने एंट्री की थी और वापस वहीं जाना है, कोई रास्ता नहीं है। आगे एक सुरंग और भी है, आपको दिखाऊँ, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है, हम भी इंसान हैं, मरने का डर हमें भी लगता है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस उसी रोशनी की तरफ। वही बोल, हेलो गाइस, एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये साक्षात प्रमाण है, ये वो डेट है जब इस ब्रिज का बनना आरंभ हुआ था। इस ब्रिज का निर्माण 1 जून 1877 को आरंभ हुआ था और आज से लगभग 155 वर्ष पहले इस ब्रिज का निर्माण आरंभ हुआ था। तो सलाम है और नमस्कार है उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग को और उसके कह सकती हैं मेहनत को, पराक्रम को और समाज के प्रति उसकी उदारता को कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस ब्रिज का निर्माण किया। तो गाइज, जगह इतनी कम है स्थान, अब मैं निकलूं कैसे यहाँ से, आपके लिए मैं चला तो गया इसमें से, शरीर थोड़ा हैवी है, वजन भी ज़्यादा है, अब मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। 1 फुट जगह, चंदन यहाँ यार भाई थोड़ी सी हेल्प कर यार, मैं अपने मित्रों के लिए, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, इतनी मेहनत की है, पसीना पसीना हो गया, जान जोखिम में डाल दी इस वीडियो के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राहत बचाव कार्य में खर्च करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्कालीन गवर्नमेंट को कह सकते हैं बुलाया और उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा मांगा, तब जाके उन्होंने आदेश दिया कि इतना नुकसान भूके हुए होने के बावजूद इसका स्थायी कोई समाधान निकाला जा सके। और तत्कालीन गवर्नर प्रॉबी कॉटली को उन्होंने तलब किया, प्रॉबी कॉटली ने इस पूरे ब्रिज की उस नहर की संरचना की, एक है अपर गंगा कैलान और एक है लोअर गंगा कैनाल, जहां हम आज खड़े हैं वो है वो लोअर गंगा कैनाल जो कि 430 माइल लगभग 500 किलोमीटर लंबी है और जो बुंदेलखंड रीजन को 9000 वर्ग किलोमीटर एरिया को सिंचित करती है अपने जल से। तो आगे चलते हैं और बताते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्कालीन गवर्नर को तलब किया और काटली द्वारा उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा, तो इसकी संरचना में उन्होंने केवल 6 महीने लगाए और पूरा 500 किलोमीटर का सर्वे उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर बहुत भारी जो प्रोजेक्ट का खर्च था वो बहुत ज़्यादा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मनाया और मनाने
छः महीने के ट्रॉवी कॉटली द्वारा इसका सर्वे किया गया और सर्वे के बाद इस 1842 में लोअर वो अपर गंगा कैनल का निर्माण उन्होंने शुरू किया। वो ये नहीं है, वो निकलती है आपकी हरिद्वार से और 10 जिलों को सिंचित करती हुई अलीगढ़ के नानू जगह पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लेट 18 सेंचुरी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। वैसे लोग इसे हजारा नहर बोलते हैं इन दोनों नहरों को, लेकिन वास्तव में ये लोअर गंगा कैनाल हैं जिनका निर्माण लेट 18 सेंचुरी में आरंभ हुआ। इधर आ जाएगा,